भरूच जिला यूथ कांग्रेस ना प्रमुख पदे शकील अकुजी विजेता थता जिला कार्यालय खाते स्वागत करवामां आव्युं हतुं। यूथ कांग्रेस में वर्षो पर्यंत सक्रिय भूमिका भजवनार तेमज नबीपुर जिला पंचायत ना सदस्य तरीके भूतकाल में ज्वलंत मतों थी चूंटाई आवेला हाल नबीपुर तालुका पंचायत ना सदस्य शकील अकुजीए भरूच जिला यूथ कांग्रेस ना प्रमुख पदे पोतानी उमेदवारी नोंधावी हती, जेना परिणामों जाहिर कराया हता, जेमा शकील अकुजी ने 500 उपरांत मतों विजेता जाहिर करवामां आव्या हता। शकील अकुजी ने यूथ कांग्रेस ना प्रमुख पदे जाहिर कराया हता। भरूच जिला यूथ कांग्रेस ना प्रमुख पदे शकील अकुजी विजेता जाहिर थया बाद भरूच जिला कांग्रेस कार्यालय खाते आवी पहोंचता फूलहारथी स्वागत करवामां आव्युं हतुं। युवा नेता शेरखान पठाण, एनएसयूआई प्रमुख योगी पटेल सहितना युवा कार्यकरोए भरूच जिला यूथ कांग्रेसना प्रमुख अने युवा नेता शकील अकुजीनुं फूलहारथी भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। आज रोज ज्यारे युवक कांग्रेसना इलेक्शन थोड़ाक महीनाओं पहला योजायुं हतुं, आजे एनुं परिणाम आवी चूक्युं छे। यूथ कांग्रेसना पहला तो तमाम मारा साथी मित्रों ने हूँ खूब खूब आभार मानीश के जेमने एक लोकशाही हवे कांग्रेस जे रिवाज छे के लोकशाही ने मानवावाळी पार्टी छे के एने मतदान करावी अने पार्टीना होद्देदारोनी पण निमणूक करे छे। एमां जे युवक कांग्रेसना प्रमुख तरीके मने भरूचनी जनताए विजयी बनाव्यो छे, साथे आमां हार जीत जेवू कंई रहेतुं नथी, क्रमवाइज गोठवाता जाय छे। मारा साथी मित्रों जे मारी साथे इलेक्शन लड़ा, अमे बधा आवनारा दिवसों में भेगा मळी नवुं संगठन तैयार करी बूथे बूथे जई अने मारा एक एक कार्यकर युवान मित्रों ने मळी युवान मित्रोंनी समस्या लोकोनी समस्याओनुं निवारण लावीशुं। साथे ज के तमे सोशियल मीडिया पर चर्चा जोता हशे के आंतरिक जूथवाद छे आ यूथ कांग्रेस छे अने कांग्रेसने तोड़े छे, पण ए लोकोनी विचारमां विचारसरणीमां फर्क छे। आ एक सामान्य कार्यकर जे ताकतवर होय छे पण बहार नथी निकळी शकता, नेताओनी पाछळ फरी अने होद्दाओ मेळવી લે છે। આ લોકશાહી એવી છે કોંગ્રેસની કે નાનામાં નાનો કાર્યકર પણ જિલ્લાનો પ્રમુખ બની શકે છે, એની મહેનત એની તાકાતથી લોકોની વચ્ચે જઈ અને જાતે નેતૃત્વ કરી શકે છે, ના કે કોઈ નેતાઓની આગળ પાછળ ફરીને। એટલે રાહુલ ગાંધીની આ સિસ્ટમને પણ અમે ખૂબ ખૂબ આવકારીએ છીએ અને એમને માથે ચડાવીએ છીએ કે આ જ રીતની સિસ્ટમ હંમેશા પાર્ટીને પણ ફાયદો કરતી હોય છે। હા, અંદર અંદરના મતભેદો હોય છે, પણ એ સમય જતો રહ્યો, આવનારા દિવસોમાં હું મારી સાથે ચૂંટાયેલા ઉપપ્રમુખો મહામંત્રીઓ બધા ભેગા મળી સંગઠિત થઈ અને કોંગ્રેસને આગળ લઈ તાકાતવર બનાવીશું અને લોકોના પ્રશ્નને વાચા આપીશું, એવી આપ સૌને અને જનતાને હું ખાતરી આપું છું। આટલું જ કહી નિરીશ, જય હિન્દ, જય ભારત।